आखिर आनंद मानिकपुरी महीने के कितने कमाते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, और आनंद मानिकपुरी की शादी कब और किसके साथ होगी। आनंद मानिकपुरी एक यूट्यूबर से कैसे बना छत्तीसगढ़ के नंबर वन एक्टर, और आनंद मानिकपुरी कितना पढ़े लिखे हैं, और क्या सरई मूवी भी छत्तीसगढ़ के तमाम सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा कि नहीं, और आनंद मानिकपुरी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय बातों के बारे में आपको बताएंगे जिसे जानकर आपके शायद होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश पटेल और आप देख रहे हैं हिंदी फैक्ट 2। दोस्तों, आनंद मानिकपुरी के सरई फिल्म हाउसफुल चलने के बाद आनंद मानिकपुरी चारों तरफ चर्चे में हैं। ऐसे में लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आनंद मानिकपुरी आखिर कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों, आनंद मानिकपुरी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। दोस्तों, आनंद मानिकपुरी छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने एक्टिंग और टैलेंट के दम पर पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी राज्यों में उनको लोग अच्छे से इनको जानते हैं, क्योंकि दोस्तों आनंद मानिकपुरी छत्तीसगढ़ी वीडियो के साथ साथ हिंदी कॉमेडी वीडियो भी बनाते हैं और लोग आनंद मानिकपुरी के वीडियो को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों आनंद मानिकपुरी के ज्यादातर इनके वीडियो सामाजिक मुद्दे पर होते हैं, और दोस्तों आनंद मानिकपुरी के सभी वीडियो शिक्षाप्रद होते हैं और इनके हर वीडियो पर लोगों को कुछ नया सीख मिलता है। और अब बात करते हैं आखिर आनंद मानिकपुरी कितना पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों आपको बता दे कि आनंद मानिकपुरी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई बिलासपुर के चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद रायपुर में 6 साल तक सरकारी प्रोजेक्ट में नौकरी किए थे। वही दोस्तों आनंद को बचपन से ही छत्तीसगढ़ी बोली से बहुत लगाव थे, और वही दोस्तों आनंद मानिकपुरी बिलासपुर के रहने वाले हैं, और वह छत्तीसगढ़ी बोली को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और छत्तीसगढ़ी बोली में कॉमेडी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने लगे। दोस्तों अब बात करते हैं आनंद मानिकपुरी को यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ख्याल कहां से आया। दोस्तों आनंद मानिकपुरी को बचपन से ही कुछ अलग करने की चाहत रखते थे, और वो हमेशा सोचते रहते थे कि ऐसे क्या किया जाए कि आनंद मानिकपुरी का नाम चले और उनको सब लोग जाने। और उस टाइम आनंद मानिकपुरी यूट्यूब पर अमित भड़ाना और आशीष चंचलानी जैसे बड़े यूट्यूबर के वीडियो को देखते थे, और इन्हीं सब से आनंद इंस्पायर्ड होकर यूट्यूब पर एक चैनल बनाते हैं जिनके नाम थे एडीएम ऑनलाइन। इस चैनल पर आनंद छत्तीसगढ़ी प्रश्नोत्तरी वीडियो अपलोड करते थे, और 3 महीना के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है, और उसके बाद आनंद मानिकपुरी कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और उनका सभी वीडियो वायरल चलते गए, जिसके चलते आज आनंद मानिकपुरी को सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों आनंद मानिकपुरी के यूट्यूब पर 4 चैनल है, जिनमें से द एडीएम शो, द एडीएम प्रोडक्शन, आनंद मानिकपुरी और टेच एडीएम आदि, और इन सब से अनुभव लेके आनंद फिल्म लाइन में आ गए और सरई फिल्म को बनाने में लग गए, और इस फिल्म का डायरेक्शन खुद आनंद मानिकपुरी ने किया है, और इस फिल्म में लीड रोल आनंद मानिकपुरी और खूबसूरत एक्ट्रेस अनिता बरेठ, इन दोनों ने अभिनय किया है, और यह फिल्म जितने भी थिएटर में लगा है सबके सब हाउसफुल चल रहा है, क्योंकि इस फिल्म के स्टोरी को खूब पसंद कर रहे हैं, और इस फिल्म में लव स्टोरी के अलावा कॉमेडी ड्रामा एक्शन थ्रिलर रोमांस हॉरर स्टोरी जैसे जबरदस्त सीन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आनंद ने इस फिल्म के लिए अपने तन मन धन को दांव में रखकर इस फिल्म को बनाया है, और यूट्यूब के सभी कमाई को इसी फिल्म में लगाया है। और दोस्तों जिस तरह इस फिल्म के चलन को देखते हुए हम कह सकते हैं सरई मूवी छत्तीसगढ़ के तमाम सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। दोस्तों आनंद मानिकपुरी अपने यूट्यूब चैनल से महीने के लगभग 4 से 5 लाख रुपए का अर्निंग कर लेता है। यदि बात करें आनंद मानिकपुरी के शादी को लेकर, तो आनंद मानिकपुरी का अभी तक उनका शादी नहीं हुआ है, और हाँ, लेकिन आने वाले साल में उनका शादी हो सकता है, आनंद मानिकपुरी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है, और ये नहीं बताया कि शादी किसके साथ करेगा। तो दोस्तों ये थी आनंद मानिकपुरी के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं, नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय